आज हमारे बीच है महामेरु पीठाधिपति जगतगुरु 14 से 26 जनवरी 2014 तक मनियारी पुल से नीचे में मनियारी नदी के तट पर कमारडी गांव में बहुत वृद्ध बहुत बड़ी आयोजन 108 ब्राह्मणों द्वारा अमरात्मिका महायज्ञ महामहोत्सव का किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस आयोजन कर की जमीन में षणमत मंदिर का स्थापना होने जा रही है। इस मंदिर की भूमि पूजन 25 जनवरी 2014 को होगी। उसी संदर्भ में बोलते हैं षणमत, वो षणमत मंदिर का स्थापना होने जा रही है। ये मंदिर की भूमि पूजन 25 जनवरी को कमारडी में ही हो रही है। मंदिर भी कमारडी में ही बनेगी। दर्शन या विशाल मंदिर का स्थान नहीं है। ये मंदिर की मूर्ति का जो गर्भगृह होती है वो गर्भगृह 27 फीट का होगी। उसकी कुंभज होगी 82 फीट की सोने की, सोना की 82 फीट की होगी। सोने का चद्दर लगा होगा और ये टोटल प्लेट एरिया 3 एकड़ का रहेगी। उसी संदर्भ में मंदिर बनने जा रही है। ऊपर वालों से ये प्रार्थना कर रहे हैं 2020 में इस मंदिर का उद्घाटन हो, प्रतिष्ठा महोत्सव उद्घाटन कब होगा 2020 का महाराष्ट्र की बता रहे हैं। बताया तो था धर्म की जागरण और जनता के बीच में सुख शांति लाना, प्रदेश का सुख शांति का कामना करना। मंत्र होती है मुख्यतः लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या पहले उनके बीच लक्ष्मी प्राप्ति हो, लक्ष्मी की जिसका धन मिलता है वो धन सही ढंग से संभालना है। पशुओं की गायों के बीच में जो बीमारियां फैलती है वो गाय की बीमारियां ना हो और गाय की सेवा हो। ये कमलात्मिका का प्रधान उद्देश्य यज्ञ की मंत्रों का उद्देश्य यही है। ये जो वेद और ऋग्वेद का मंत्र से स्थान होती है नहीं, प्रधान आचार्य दक्षिण भारत के रहेंगे। टोटल 108 लोग रहेंगे। उसमें दक्षिण में तमिलनाडु से, आंध्रा से और कर्नाटका से मनियारी और टेशु का संगम स्थल है। टेशु रागीन भूंगा मनियारी चारों का संगम स्थल में आश्रम आश्रम निर्माण है। वहां विशेष रूप से गौशाला ऑलरेडी चलित है कामाक्षी गौशाला का नाम से। जनवरी 2014 से 26 जनवरी 2014 तक कमारडी क्षेत्र में मनियारी पुल के तट पर कमलात्मिका महायज्ञ के आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है षणमत मंदिर बनने जा रही है और षणमत मंदिर की स्थापना की भूमि पूजन के सिलसिले पे आयोजन हो रही है। भूमि पूजन 25 जनवरी को होगी। ये षणमत मंदिर की स्थापना भी कमारडी गाँव में ही होगी। इसी उद्देश्य पे इस यज्ञ होगी। 108 ब्राह्मण आएंगे। नेपाल के जगतगुरु जी इस आयोजन के मुख्य विशेष संत रहेंगे। ये क्षेत्र के लाभ के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए, किसानों की कल्याणकारी के लिए, गांव की कल्याणकारी के लिए ऐसे किया गया जी। मंदिर का कैसा सुन, ये षणमत मंदिर का जो स्थापना है हमारी उम्मीद है, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी आशा रखे हैं, संकल्प किए हैं 2020 में इसकी प्रतिष्ठा हो। इस मंदिर की ऊँचाई रहेगी 240 फीट का कुंभज रहेगी। 3 एकड़ जमीन में मंदिर बनेगी। माता जी का गर्भगृह का कुंभज रहेगी 82 फीट की। बाकी पांचों देवता का कुंभज 36-36 फीट की रहेगी। पूरी दक्षिण भारत की शैली में बनेगी, पत्थर में बनेगी मंदिर। इतनी बड़ी राशि कहाँ से आएगी, कैसे? पब्लिक फंड्स, डोनेशंस। थैंक यू। कैसे ऐसे करते हो? पति इज एटीएम कार्ड, गर्लफ्रेंड इज अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बट फ्रेंड आर अंडर मेरी फ्रेंड है इतनी मौजूदगी अपना क्या 36 के बगल में ही रहती है। कॉलेज का क्या? 3 साल तो जेडीसी से की।